हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की हम लोग अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो ऊर्जा है, आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा जानते हैं कौन सी ऊर्जा? ई बराबर माइनस आर सी एच बटा एन स्क्वायर। तो कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा यानी ये, तो इस ऊर्जा की जो तरंग है उनका उसके तरंग दैर्ध्य से क्या संबंध है, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा की तरंग के तरंग दैर्ध्य के सूत्र का आपको निगमन इस वीडियो में आपको करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा की तरंगों के तरंग दैर्ध्य का यानी लेमडा, यानी सीधी सी बात है इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा की जो वेव्स बन रही है, जो तरंगे बन रही हैं, उन तरंगों का उसके तरंग दैर्ध्य लैम्डा से क्या संबंध है, उससे संबंधित आपको सूत्र का निगमन करना है। तो यही है फार्मूला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा का। थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताऊं, ये है आपका हाइड्रोजन का नाभिक, ये है आपका वृत्तीय कोष जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और यदि आप इसे ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। इस कक्षा को छोड़कर इस कक्षा में प्रवेश करेगा, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा और यहाँ पे आएगा तो सिर्फ 10^-60 सेकंड रुक के वापस वहां जाएगा। फिलहाल मैंने आपको बताया ये था हाइड्रोजन का नाभिक, ये कक्ष है और इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं, और बेटा ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में आएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए, अच्छा इसे मिटा इसे हटा देते हैं, नहीं आप भ्रमित होंगे। ठीक है, ये ऐसे कर लीजिए। तो चूंकि बेटा अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो आप जवाब देंगे सर पहली ऊर्जा स्तर में। तो आप यहां पे लिखिए पहली ऊर्जा स्तर, पहली ऊर्जा स्तर के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा। तो चूंकि बच्चों अभी थोड़ी देर के लिए देखिए इतना अगर छोड़ दीजिए तो क्या लिखा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा ये, लेकिन ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा किसके लिए लिखी गई, पहली ऊर्जा स्तर के लिए यानी के लिए लिखी जा रही है। तो इसे हम पहला ऊर्जा स्तर, और इसकी जो ऊर्जा होगी उसे हम कहेंगे E1, पहले कोश के लिए है E1, और बेटा N जो है वो कोशों की संख्या, तो किस कोश में काम कर रहा है पहले, तो ये बन गया N1। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए इस परमाणु को ऊर्जा दी तो वह इलेक्ट्रॉन कूद करके दूसरी ऊर्जा स्तर पे आ जाएगा, तो फिर दूसरी ऊर्जा स्तर के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा ई बराबर माइनस आर सी एच बटा एन स्क्वायर, किसके लिए, दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा E2, ये हो जाएगा N2। ठीक है बच्चों, नील बोर एक वैज्ञानिक थे, नील बोर ने क्या कहा था वो सुनिए। नील बोर के अनुसार, क्या नील बोर के अनुसार, डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। डेल ई बेटा, डेल्टा ई दर्शा रहा है ऊर्जा में परिवर्तन को, किसके ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है, वो कोशों में ऊर्जा के परिवर्तन, इस कोश की ऊर्जा क्या है, इस कोश की ऊर्जा क्या है। तो आपको पता है हर कोश की ऊर्जा अलग अलग होती है, इसकी ऊर्जा कुछ होगी, इसकी ऊर्जा कुछ होगी, चूंकि अभी पहले कोश में इलेक्ट्रॉन था तो इसकी ऊर्जा कुछ होगी, अब दूसरे कोश में जाएगा तो उसकी ऊर्जा कुछ होगी। तो इन दोनों के यदि ऊर्जा के मान को, पहले कोश और दोनों दूसरे कोश, इन दोनों के ऊर्जा स्तर के जो वैल्यू है, जो ऊर्जा के जो मान है, इनको यदि घटा दिया जाए तो हमें ऊर्जा परिवर्तन मिलेगा। ठीक है बच्चों, मैंने एक बार और आपको ये बता रहा हूं, नील बोर का मतलब, नील बोर ने कहा डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 का मतलब दूसरे कोश की ऊर्जा,
E1 का मतलब पहली कोश की ऊर्जा। तो चूंकि दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है, हर कोश की एक निश्चित ऊर्जा होती है और हर कोश की जो ऊर्जा होती है एक दूसरे से अलग अलग होती है, ठीक है बच्चों। तो चूंकि E2 की ऊर्जा अधिक है इसीलिए E2 पहले लिखा गया, E1 की ऊर्जा कम है इसीलिए उसे बाद में लिखा गया। अधिक से कम को घटाएंगे, ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, डेल ई इज इक्वल टू, E2 की वैल्यू ये है माइनस RCH बटा N2 स्क्वायर। अब बेटा ये माइनस है, E1 की वैल्यू रखना है, E1 की वैल्यू ये है, तो ये वाले माइनस को ये वाला माइनस प्लस कर देगा, तो मैं यहाँ पे प्लस बना रहा हूँ, ठीक है। RCH बटा N1 स्क्वायर। तो बच्चों देखिए ये वैल्यू प्लस में है और प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है, तो ये माइनस वाली इस वैल्यू से घटेगी। तो इसको हम पहले लिख के उसको बाद में भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, डेल्टा ई बराबर RCH बटा N1 स्क्वायर माइनस RCH बटा N2 का स्क्वायर। देख लीजिए ये वैल्यू काहे में है प्लस में, तो ये देखिए प्लस में ही है, ये वैल्यू काहे में है माइनस में, तो देखिए माइनस पे ही लिखी गई, ठीक है बच्चों। बच्चों अब आगे हम लोग और क्या देखते हैं, हमें पता है फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, डेल ई बराबर एच न्यू, डेल ई बराबर एच न्यू। फोटॉन क्या है बच्चों, देखिए प्रकाश जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है बच्चों। वो कण छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में होते हैं, उन्हीं छोटे छोटे पैकेट या बंडल को क्वांटा कहते हैं। अब बच्चों इस क्वांटा को हम प्रकाश के लिए फोटॉन कहते हैं। तो बच्चों हमने पीछे पढ़ा था ई इज इक्वल टू एच न्यू, हमको बोर ने पहले ही बताया था कि हर कोश की अपनी एक ऊर्जा होती है और हर एक ऊर्जा एच न्यू के बराबर होती है। तो इसकी कुछ ऊर्जा है तो क्या लिखते थे आप, एच न्यू, इसको क्या लिखते थे, 2H न्यू। अब जितने भी कोश बढ़ते जाएंगे 3H न्यू 4H न्यू कुछ इस प्रकार, यानी आपको ये बातें पहले से पता है ई बराबर एच न्यू होता है। बच्चों ये दो क्यों लिखा गया, क्योंकि ये दूसरे कोश के लिए है, वन यहाँ पे पहला वन लिखा जाता तो चूंकि वन का कोई महत्व है नहीं है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, मैंने बेटा आपको एक बात और बताई थी, वो देखिए क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था प्रकाश का वेग c बराबर कितना होता है, ये बराबर होता है न्यू लैम्डा के। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश का वेग बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य, ऐसा लिखा जा सकता है। बच्चों इस फार्मूले को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, न्यू बराबर सी अपान लैम्डा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं न्यू का मान फोटॉन की ऊर्जा के लिए लिखने पर, तो फोटॉन की ऊर्जा ये है डेल ई बराबर एच, ये लिखा हुआ है न्यू की वैल्यू ये आप यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि न्यू ये है और आपने यहाँ पे न्यू प्राप्त किया है प्रकाश के वेग से, तो आप लिख सकते हैं सी अपान लैम्डा। बेटा इस समीकरण को आप समीकरण नंबर 1 मान लो। अब यहां पे लिखिए डेल ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पे रख दीजिए, समीकरण 1 आपका ये, ठीक है। तो डेल ई का मान इतना है, आप इस मान को इस जगह पर रख देंगे, एच सी अपान लैम्डा बराबर माइनस आर सी एच बटा N2 का स्क्वायर प्लस आर सी एच बटा N1 का स्क्वायर।
बच्चों यहां से हमको आर सी एच कॉमन मिल रहा है, इसे बाहर ले लीजिए, एच सी बटा लैम्डा, ठीक है। अच्छा ये वाला समीकरण एक बनाया है ना, तो इसमें हम रख रहे हैं, तो बच्चों ये माइनस यहाँ पे ये नहीं होगा और ये जो है ये एन वन होगा, इसे सुधार लीजिएगा, ठीक है, और ये आपका एन टू होगा, ठीक है, ये है। तो बच्चों हम लोग यहाँ से कॉमन क्या ले रहे हैं, आर सी एच, आर सी एच को बाहर ले लीजिए, आर सी एच, और हाँ ये जो प्लस में लिखा था ना, ये प्लस भी नहीं होगा, ये माइनस है, ये ठीक है, सुधर गया आपका ये पूरा। बेटा ये बन जाएगा वन अपान एन वन स्क्वायर माइनस वन अपान एन टू का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बंद हो गया बच्चों। अब इस एच से इस एच को कैंसिल कर दीजिए, इस सी से इस सी को कैंसिल कर दीजिए, बन गया वन अपान लैम्डा इज इक्वल टू आर वन अपान एन वन स्क्वायर माइनस वन अपान एन टू का स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास एक फार्मूला ये भी आ गया। अब यदि आर जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं इसका यहाँ मान रख दिया जाए तो किस प्रकार लिखा जाएगा, वन अपान लैम्डा इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10^7 मीटर इनवर्स, ये मीटर इनवर्स है, वन अपान एन वन स्क्वायर माइनस वन अपान एन टू का स्क्वायर। तो बच्चों ये सूत्र का निबंध हो गया, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद।